हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपने थंबनेल देख के तो समझ ही गए हूँ कि यहाँ पे जो बोरिंग कराया जा रहा है किसानों के लिए, बहुत ही बड़ा बोरिंग है और इसी के बारे में आज आपको वीडियो दिखाता हूँ। लगभग ये 250 फीट अंदर तक बोरिंग जाएगी, जिससे कि खेतों में सिंचाई के लिए किसानों को सहायता मिलेगा। और ये सरकारी है और यहाँ पर आरक्षण भी इसमें कुछ मिलता है, तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखना, अंत में मैं फिर से आपको डिटेल दूंगा, सारी डिटेल। चलो फ्रेंड्स, तो आप लोग को दिखाते हैं उनका रहने का व्यवस्था। सबसे पहले वो कैसे रहते हैं और कैसा घर उन्होंने अपने लिए निर्माण किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये यहीं पर सोते हैं रात को, और ये यहाँ पे पूरे खाने पीने का व्यवस्था के साथ लाए हैं। और यहाँ पे वो लाइट भी जल रहा है, तो उधर इनका सामान भी है। आप लोगों को थोड़ा उधर जाके मैं दिखाता हूँ कि कितने सारे सामान हैं इनका, जिससे ये बोरिंग करने में इनकी सहायता होगी। तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितना बड़ा बड़ा पाइप है और मशीन भी उधर है, सब लोहे का है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मशीन की तरफ चलते हैं। और ये आप लोग मशीन देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा मशीन है, और बोरिंग इसी के पीछे होगा। और ये लोग हैं जो यही बोरिंग करेंगे, और दो इधर है एक उधर है, ये अपना मशीन का तालमेल बैठा रहे हैं, जिससे कि मशीन हिले डोले नहीं। तो आप लोग ऊपर से नज़ारा देख सकते हो कि मशीन कितना बड़ा है। और ये इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, उधर एक गड्ढा भी करा हुआ है, आप लोग देख ही सकते हो, उसमें पानी भरा जाएगा। बिना पानी के ये मशीन चलता नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे गड्ढा खना गया। और बोरिंग यहीं पे होगा, आप लोग देख सकते हो जो बीच में गोल सा सेंटर है, यहीं पे बोरिंग होगा। और इसका लंबाई आप लोग देखें तो भाई साहब, छत से ऊपर तक के ये लंबा बोरिंग करने की मशीन है ये। तो आप लोग देख ही सकते हो कि ये कितना बड़ा मशीन है, और कम से कम ये 250 फीट खंदेगी। तो लगभग 2-3 घंटा तो टाइम लगेगा ही, पर मैं आपको काट काट के वीडियो दिखाता रहूँगा, शॉर्ट में आपको दिखा दूंगा। तो वहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो पानी चालू हो चुका है, और भाई साहब अपना ये गियर वगैरह अपना मिला रहे हैं, जिससे कि उनकी सहायता हो मशीन चलाने में। तो उधर पानी भी गड्ढे में भर रहा है, आप लोग देख ही सकते हो उधर राइट साइड में इनके। और गड्ढा भरने के बाद मशीन चालू होगा जस्ट अभी थोड़ा देर के बाद, तब तक के आप लोग देख ही सकते हो। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे मशीन चालू हो चुका है। आप लोगों को तो आवाज़ सुनाई जा ही रहा होगा, और ये चलती किस तरह से आप लोग देख ही सकते हो। उधर से पानी फेंक रहा है, और एक तरफ से पानी खींच रहा है, और एक तरफ से पानी जा रहा है। ऐसे ही लगभग ये कम अभी तो 10 फीट ही कराया है, लेकिन अभी टाइम लगेगा, ऐसे ही चलेगा 2-3 घंटा, आप लोग देख ही सकते हो। ऐसी जी चाहे जिंदगी है। तो फ्रेंड्स, फाइनली गड्ढा हो चुका है, और ये पाइप लोग उसमें मतलब पाइप डालेंगे। ये लगभग 200 से ऊपर फीट का पाइप है, सब 10-10 फीट का अलग अलग है। और इनकी बारी है, बोरिंग तो हो गया, मैंने आपको जल्दी दिखा दिया। तो आप लोग देख ही सकते हो कि एक एक करके यहाँ पे आप ये पाइप को अंदर डालेंगे, और ये मतलब कसेंगे उसको। तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि कैसे ये लोग पाइप को पकड़े हुए हैं और इसको अंदर डाल रहे हैं। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो मैंने ये वीडियो लगभग 3-4 मिनट में कवर कर लिया, जो लगभग 3 से 4 घंटे का वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये अपना प्यारा सा पप्पी, बहुत ही प्यारा है।